जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं सर्वेश पांडे लगातार देख रहा हूं कि क्षत्रिय समाज के इतिहास को चुराने का काम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बहुत बड़ी बात है कि आज एक होड़ सी लगी है कि क्षत्रिय समाज के महापुरुषों को अपने जाति के महापुरुष बताने की, क्षत्रिय समाज के महापुरुषों को अपने जाति की महापुरुष बताने की होड़ लगी हुई है, जो कि बहुत ही गलत है। मेरा मानना है कि अगर आप किसी क्षत्रिय राजा के पराक्रम से प्रभावित हैं, तो आप उसकी पूजा करिए, लेकिन इसके लिए यह जरूरी नहीं कि आप उनका इतिहास ही चुरा लें, उनको अपने जात का बताएंगे तभी आप उनके प्रति सम्मान अर्पित कर पाएंगे, और यह बहुत ही गलत है। एक बार मैं कहना चाहता हूं कि जो क्षत्रिय समाज के राजा थे, उन्होंने सिर्फ क्षत्रियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, उन्होंने सबके लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए हमें उनका मान करना चाहिए, लेकिन उनका इतिहास चुराना नहीं चाहिए। क्षत्रियों ने अपनी गर्दनें अपने जात के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र और धर्म के लिए कटवाई है, और हम सभी की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि उनके इतिहास को संजोने का काम करें। अगर यह काम किया जा रहा है क्षत्रियों के इतिहास को चुराने का, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी मैं देख रहा हूं कि जो क्षत्रिय समाज के इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसके खिलाफ में क्षत्रिय समाज का युवा मुखर होकर के विरोध कर रहा है, लेकिन क्षत्रिय समाज के जो विधायक सांसद मंत्री हैं, इन लोगों की आवाज तक नहीं निकल रही है। ये बहुत ही गलत है। मैं इन लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि आज अगर आप मौन है तो एक बात सुन लीजिए कि अधर्म को मूक बनकर के जो मात्र निहारे जाते हैं, कर्ण हो, द्रोण हो, भीष्म हो, सब मारे जाते हैं, तो गलत का विरोध करिए, नहीं तो इतिहास कभी आप लोगों को माफ नहीं करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों, अगर आप सर्वेश पांडे जी की बात से सहमत हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय जय श्री राम।